एशिया रेंजर 2021 के एग्जाम में फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। ठीक है, आज अपन लोग पढ़ने वाले समतल दर्पण। क्या पढ़ने वाले बेटा? समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, तो पहली बात तो आपको याद होना चाहिए बेटा, समतल दर्पण किसको बोलते हैं, है ना? तो हम लोग समतल दर्पण किसको बोलते हैं बेटा, जिसका जो शाइनिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? प्लेन, यानी कि समतल, प्लेन होना चाहिए बेटा। ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर? अब समतल दर्पण द्वारा, है ना, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, है ना बेटा, इमेजेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण द्वारा बने जो प्रतिबिंब है, अब उसकी जानकारी प्राप्त करना है बेटा, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना। पहली चीज याद रखना, समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब है वो कैसा होता है बेटा? आभासी। कैसा होता है बोलो? आभासी। कैसा होता है बोलो? आभासी। याद रखना, समतल दर्पण द्वारा बने जो प्रतिबिंब है वो कैसे होता है बेटा? आभासी होता है। क्या होता है बोलो? आभासी। आभासी मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। और हमेशा आभासी कैसा होगा बेटा? सीधा, याद रखना, सीधा यानी कि इरेक्ट, याद रखना, इरेक्ट होता है, ठीक। पहली प्रॉपर्टी याद रखना, आभासी हमेशा सीधा होगा, वर्चुअल हमेशा क्या रहेगा? इरेक्ट होता है, याद रखना, ठीक है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के, है ना, कैसे बनता है बोलो? वस्तु के आकार के बराबर। कैसा इमेज बनता है बोलो? वस्तु के आकार के बराबर, है ना, ये रखना। इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार का ही बनता है बेटा इमेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, है ना, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है सेम डिस्टेंस, है ना, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे पीछे उतनी उतनी दूरी पर, दूरी पर बनता है, दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु, वस्तु दर्पण के, दर्पण के सामने होता है, सामने होता है, दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होता है। यह आपको ध्यान है, ठीक है बेटा। तो क्या बोलेंगे? इमेज बिहाइंड द मिरर आर इक्वल डिस्टेंस, आर इक्वल डिस्टेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर आर सेम डिस्टेंस। तो दर्पण के सामने जितने दूरी पर वस्तु रहता है उसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता
है। अब इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी के द्वारा हम इसको डील करेंगे बेटा, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी हो गए, हमेशा रखना। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। अब दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखते हैं उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। गुड, इन सारे पॉइंट को हम एक नया डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, आपने देखा होगा बहुत से लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर जब हम दर्पण के सामने है ना किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब देखते हैं, किसी वस्तु का है ना किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब, उस व्यक्ति का प्रतिबिंब देखते हैं, तो दर्पण की जो ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई से कितनी होनी चाहिए, उसकी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? h/2, यानी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इस बात को हम प्रूव भी करते हैं और साथ साथ ये सारे पॉइंट को वहां पर डील भी करते हैं बेटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा एम क्या है? अवर एम क्या बताओ? एम हमारा एम क्या है बेटा? अवर एम क्या है बोलो? अपने को फाइंड करना है क्या बोलो? मिनिमम मिनिमम हाइट, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर है ना, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर है ना, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक पर्सन ले लेते हैं। ये हमारे पास एक पर्सन है ना, उस पर्सन का ये क्या है? हेड है, हेड है। ये उस पर्सन का ये क्या हो गया? आई। ये उस पर्सन का क्या हो गया? लेग। ये है ना, ये है। अब सपोज करते हैं अगर ये पर्सन दर्पण से, ये जो दर्पण है ना, इस दर्पण से थोड़ा और दूर ले लें चलेगा, आ जाएगा। हाँ, यहां ले लेते हैं। सपोज करते हैं ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, व्यक्ति है ना बेटा, ये व्यक्ति, ठीक। ये जो व्यक्ति है वो दर्पण से के सामने खड़ा है, ये है दर्पण के सामने खड़ा है। अब अपन मान लेते हैं इसकी दूरी कैसे नापे, इसके एक अंदाजा ले लेते हैं बेटा, है ना। कि कैसे लेते हैं अंदाजा? ये देखिए, चार ये हो गया और चार आठ है ना, थोड़ा सा ज्यादा है। या हम इसे पेन से नाप लेते, अंदाजा लगा लेते, ताकि हमको एग्जेक्ट डायग्राम बनाने में आसानी हो जाए। इधर एक पेन हो गया है ना हाइट इसकी, और ये तीन। इधर भी ऐसे ले लेते, रफ डायग्राम बना रहे बेटा, हम स्केल से कोई नाप नहीं रहे, अंदाजा। तो इसका जो इमेज होगा वो यहां कहीं बनेगा बेटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। अब आपको ये पता चल गया बेटा कि व्यक्ति का जो हाइट है उसी साइज का क्या बनता है बोलो? इमेज। उसी साइज का क्या बनता है बेटा? इमेज है ना, उसी साइज का क्या बनेगा बोलो? इमेज। कहां पता चला बेटा? ये देखो, वस्तु के आकार के बराबर बनता है प्रतिबिंब, तो ये वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा बेटा, ठीक। पहली पॉइंट क्लियर हो गया। दर्पण के पीछे बनता है, आभासी रहता है और सीधा, आभासी और सीधा बन गया। दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु है, तो व्यक्ति दर्पण के सामने जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे भी बन रहा प्रतिबिंब, देख लो ये है ना। थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, थोड़ा कम ले लेते इसको, ठीक है। एग्जेक्ट नाप भी नहीं बना रहे ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, ये बन गया सेम साइज का, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या? उस व्यक्ति का इमेज। ये उस व्यक्ति का क्या हो गया बेटा? इमेज, प्रतिबिंब, सेम साइज का बना है ना, ये सेम साइज का इमेज बना है कि नहीं बना है, देख लीजिए, क्लियर। अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा, कि इस व्यक्ति को अपना इस समतल दर्पण में, इस समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है। तो इस समतल दर्पण की जो ऊंचाई है
है ना, इस समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो क्या होनी चाहिए, हमने क्या फाइंड करना बेटा, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी, ये फाइंड करना है बेटा। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं ना, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो मान लेते हैं इस जो पर्सन दिया है हमको, जो गिवन लेट में लिए हैं, इस पर्सन की ऊंचाई कितनी बेटा, स्मॉल एच, ये हमने मान लिया है ना, कितनी बोलो ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई कितनी मानी बेटा, स्मॉल एच। अगर व्यक्ति की ऊंचाई स्मॉल एच है तो दर्पण की ऊंचाई क्या होगी, ये फाइंड कर रहे हैं बोलो, दर्पण की ऊंचाई क्या होगी ये हम फाइंड कर रहे हैं, ये आपके ध्यान रख, ठीक है। चलिए अब देखो कैसे बनाएंगे, आपको पता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कितने किरण चाहिए बेटा, है ना, आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में कि कोई भी वस्तु है उस वस्तु से अनंत किरणें निकलती है, कितने किरणें निकलती, बोलो अनंत किरणें, उन अनंत किरणों में से हमको किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती बेटा, कितने किरणों की आवश्यकता होती बोलो, कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है, तो हमको केवल दो किरणें चाहिए बेटा। ये देखिए तो पहला हम किरण कहां से ले रहे हैं, ये देखिए तो पहला किरण हम ले रहे हैं बेटा कहां से ले रहे, देखिए पहला किरण हम पहला किरण कहां से ले रहे हैं, जो उसके सिर से चलेगा, है ना, व्यक्ति के सिर और लेग को ले रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के जो एक्सट्रीम पॉइंट है ये हेड है बेटा और ये क्या लेग है, तो उन एक्सट्रीम पॉइंट से हमने ले रहे हैं, देखिए तो जो किरण सिर से चलेगा वो परावर्तन के पश्चात कहां जाना चाहिए, उस व्यक्ति के आंखों में प्रवेश करना चाहिए, तभी तो हमको दिखाई देता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक, ये हमने पहला किरण ले लिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यानी उसका हेड यहां पर आपको दिखाई देगा उसका इमेज में एच डैश। दूसरा हम कहां से ले रहे हैं, देखिए दूसरा हम कहां से ले रहे हैं बेटा किरणें, जो पैर से चलेगा, लेग से चलेगा जो किरणें, वो परावर्तन के पश्चात, वो परावर्तन के पश्चात, आना परावर्तन के पश्चात कहां प्रवेश करना चाहिए बेटा, उसको उसकी आंखों में प्रवेश करनी चाहिए, तभी तो आपको दिखाई देगा, ये आपको ध्यान, ठीक। देख लीजिए हमने दोनों व्यक्ति के एक्सट्रीम पॉइंट से ले लिया है, है ना, ये आपको ध्यान, और यहां क्या बनेगा उसका इमेज लेग, ये आपको ध्यान, ठीक। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा बेटा, हमको इस मिरर की यहां से इसकी हाइट हमको नहीं चाहिए, हमको जरूरत ही नहीं पड़ रहा इसकी हाइट का, ये वाला हाइट की जरूरत पड़ा क्या, नहीं, क्योंकि किरणें कहीं से परावर्तित हो रही ना, इसके बाद अगर मिरर कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इससे भी बनेंगे इमेज, लेकिन हमको न्यूनतम इतनी चाहिए बस, यहां पर भी देखो हमको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर का मिरर का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इधर है कि नहीं है, है ना, ये है क्योंकि किरणें कहीं से परावर्तित हो गई ना बेटा, ये देखो क्लियर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसकी हाइट कैसे निकालें, ये जो मिरर है इसकी हाइट कैसे निकाले, ये जो मिरर है उसकी हाइट कैसे निकाले, ये इतनी हाइट बस हमको चाहिए बेटा मिरर की, है ना, ये हमको क्या चाहिए, हाइट ऑफ मिरर, ये कैसे निकालेंगे, तो हम यहां पर सॉल्व करने के लिए ज्यादा हम मैथ्स नहीं लगाएंगे, हम ज्योमेट्री की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये देखो, देखिए बेटा हम हाइट कैसे निकालेंगे, है ना, देखिए ज्योमेट्री लगाते देखिए ध्यान से, ये जो रेज, ये ट्रेंगल बना, देखो एच डैश ई और एल डैश एक ट्रेंगल बन रहा बेटा, देखो एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, ओके गुड, एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्रेंगल में ध्यान से देखो, ये जो ट्रेंगल का ये आर्म है, ये और ये आर्म, इस आर्म का ये जो पॉइंट है वो कौन सा बेटा, उसका मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कौन सा, उसका मिड पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बोलो, मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये आपको ध्यान, मतलब अगर हम इस ट्रेंगल को अगर टुकड़ों में से निकाल के देखते
तो ये ट्रेंगल होता बेटा, और ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड, इसके वो मिडिल पॉइंट पर है क्या मिरर, ये मिरर मिड पॉइंट होगा। क्यों मिड पॉइंट होगा सोचो, जितना डिस्टेंस सामने पर्सन है इस मिरर से, उतने डिस्टेंस पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो नेचुरली ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा बेटा, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर, ये भी मिड पॉइंट, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर। ठीक, अब इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाते हुए हमने क्या बनाया है, दोनों इस मिड पॉइंट को किससे मिला रहे हैं, किससे मिलता वो दिखाई दे रहा है, मिरर से। ये देखो ये मिरर है आपके लिए, ये मिरर दिख रहा है आपको, है ना, ये आपको ये मिरर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो मिरर है ना ये, और ये जो मिरर है मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक लाइन ड्रा होगा। ये जो लाइन है इस साइड के क्या है, पैरेलल है। ट्रेंगल के जो थर्ड साइड है ना बेटा, उसके क्या है, पैरेलल है। ये जो ट्रेंगल के जो थर्ड साइड है उसके क्या है, ये पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर है। अगर ये समानांतर है तो इसकी हाइट इस हाइट की जस्ट क्या होगा, आधा होगा, इस हाइट का जस्ट आधा होगा। अब ये हाइट कितना, व्यक्ति का एच, इमेज का भी हाइट कितना होता है बेटा, इमेज का भी जो हाइट होगा वो भी कितना होगा, एच ही होगा, क्योंकि सेम हाइट का बनता है। ये देखो वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु का हाइट अगर एच है, पर्सन का हाइट अगर एच है, तो इमेज का भी हाइट कितना होगा, एच होगा, है ना। और इसका जस्ट आधा क्या होगा, मिरर की हाइट, यानी मिरर की हाइट कितना होगा, h/2, यानी दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई है ना बेटा, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, ऐसा लिखे यहां लिखे, हाँ इज इक्वल टू 1/2, है ना, हाइट ऑफ क्या लिखेंगे, पर्सन, व्यक्ति के ऊंचाई की आधी, व्यक्ति के ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई कितना, एच है, उतनी ऊंचाई का इमेज बनेगा, लेकिन मिरर की हाइट क्या होगा, इसका हाफ होता है, h/2, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना, 1/2 × h, ये हो जाएगा हमारा मिरर की न्यूनतम ऊंचाई। तो h/2 होगा मिरर की न्यूनतम ऊंचाई, कितना होगा बेटा, h/2, तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू 1/2 × हाइट ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये सारे पॉइंट को भी लिया है, और अगर आपको कोई पूछता है कि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे बेटा, h/2, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर, देख लो बेटा, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना ये। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बेटा, डिस्कस, अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं बेटा, देखिए ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर, क्या है बेटा, प्लेन मिरर, ये देखिए ये प्लेन मिरर है हमारे पास, है ना, एक समतल दर्पण है। अब हम इस समतल दर्पण पर एक प्रकाश के किरण को आपतित कर रहे हैं, ये देखिए समतल दर्पण में हमने प्रकाश के किरण को आपतित कर दिया, इस किरण को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण, क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक। तो ये किरण क्या होगा, यहां से परावर्तित हो जाएगा बेटा, ये देखो ये परावर्तित हो रही है ना, ये किरण क्या हो जाएगा, यहां से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, ये परावर्तित, ठीक। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं बेटा, तो जैसे हम इस पर एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे ये नॉर्मल हो जाएगा, है ना, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे है I1, ठीक। चलिए
अब हमको क्या करें, ये कोण कितना बनेगा, आपतन कोण है आई, ये क्या होगा बेटा परावर्तन कोण, लेकिन दोनों कोण का मान कितना होगा, दोनों कोण का मान कितना होगा बराबर, है ना, आपको पता है ना आई और आर का मान क्या होता है बराबर होता है परावर्तन के नियम से, है ना बेटा, अवतल कोण जितना बनता है उतना ही परावर्तन कोण बनता है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं बेटा, ये सब हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हमको क्या करना है, कि हम चाहते हैं कि ये जो आपतित किरण ये फिक्स्ड रहे, ये कह रहे फिक्स्ड, है ना, इसको हम लोग स्थिर रख रहे हैं, आपतित किरण को क्या कर रहे हैं बेटा स्थिर रख रहे, आपतित किरण को क्या कर रहे हैं स्थिर, इसको स्थिर रखकर अब हम इस दर्पण को घुमाना चाहते हैं बेटा, क्या करना चाहते हैं, इसको दर्पण को हम लोग यहां से घुमा रहे हैं, ये देखिए आपतित किरण को स्थिर रखकर अब दर्पण को हम लोग घुमा रहे हैं बेटा, कितना कोण घुमा रहे हैं थीटा कोण, दर्पण को घुमा रहे हैं थीटा कोण, जैसे हम दर्पण को थीटा कोण घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो जैसे आप दर्पण को थीटा कोण घुमाएंगे तो दर्पण की नई पोजीशन ऐसा दिखाई देगा बेटा आपको, ये देखो हमने दर्पण को कितना कोण घुमा दिया थीटा कोण, है ना, ये देखो दर्पण को हमने कितना कोण घुमा दिया बेटा थीटा कोण, ये दर्पण है एम एवीएम, है ना, एम डैश हो गया, कितना कोण घूम गया दर्पण थीटा कोण, आपतित किरण तो वही रहेगा बेटा, तो क्या चेंज हो जाएगा, जब हम दर्पण को थीटा कोण घुमाएंगे तो रियली में क्या चेंज होता है बोलो, नॉर्मल चेंज हो जाएगा, अब ये नॉर्मल बन जाएगा आपके लिए, ये नॉर्मल, है ना, नया नॉर्मल जो होगा वो ये होगा बेटा, पहला नॉर्मल ये था, ए ले लेते हैं बाद का नॉर्मल ये, तो कितना कोण घूम जाएगा नॉर्मल, तो नॉर्मल भी कितना कोण घूम जाएगा बेटा, जितना दर्पण घुमा हो, दर्पण कितना कोण घुमा है थीटा, तो नॉर्मल कितना घूम जाएगा यहां से यहां तक, ये हो जाएगा आई प्लस थीटा, ये देखिए तो नॉर्मल कितना घूम गया बेटा थीटा कोण घूम गया, यानी अब कितना बन जाएगा आपतित किरण से नॉर्मल आई प्लस थीटा कोण, आई प्लस थीटा कोण ये, तो नेचुरली परावर्तित किरण भी घूम जाएगा बेटा, तो परावर्तित किरण कहां होगा यहां कहीं होगा, ये परावर्तित किरण बात कर, जब हमने दर्पण को थीटा कोण घुमाया तो परावर्तित किरण भी घूम जाएगा, अब ये कितना कोण बनेगा देखो, ये कितना कोण बन जाएगा देखो, है ना, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण, तो ये भी कितना होगा आई प्लस थीटा, ये आई प्लस थीटा, ठीक है, ओके गुड। अब हमको क्या पता करना है, अब हमसे पूछेगा क्वेश्चन में, अगर हमने आपतित किरण को स्थिर रखा है और दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना घूम जाती है, ये परावर्तित किरण कितना घूम जाती है, है ना बेटा, ये पूछेगा हमसे, क्या बोलेगा, व्हेन इंसिडेंट रे आर फिक्स्ड, व्हेन इंसिडेंट इज फिक्स्ड, इफ मिरर इज रोटेड थीटा डिग्री देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी, परावर्तित किरण कितना घूम जाएगा ये हमसे पूछेगा बेटा, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, ये जो कितना कोण घूम रहा है इसको मान लेते हैं डेल, इसको मान लेते हैं हम लोग डेल, ठीक है, ये कितना कोण घूम रहा है ये निकाल रहे हैं डेल ले लिए है, हाँ, कितना कोण घूम रहा है उसको हमने डेल ले लिया, ठीक है, ये चलेगा, हाँ, अब इसका मान निकालेंगे, तो ध्यान से देखो ये टोटल कितना होगा यहां से यहां तक, ये टोटल होगा बेटा टू आई प्लस थीटा, देख लीजिए अच्छे से, माइनस, अब हमको किससे निकाल माइनस करना पड़ेगा यहां से, ये देखो तो कितना हो जाएगा, देखो ये तो आई प्लस थीटा दो बार लिखते हो, अब यहां से यहां तक कितना था आई प्लस आई, बस तो था ना बेटा, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई मतलब टू आई, ये देखिए तो टू आई कट जाएगा बेटा, आंसर कितना आ जाएगा टू थीटा, यानी हमने दर्पण को अगर थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना कोण घूम जाता है बेटा टू थीटा कोण घूम जाता है, याद रखिए टू थीटा कोण घूम जाता है, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना, यहां पर एक और चीज याद रखना, हमने दर्पण को जिधर घुमाया बेटा, दर्पण को इस दिशा में घुमाया क्लॉकवाइज, तो परावर्तित किरण भी देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है,
ये भी क्लॉकवाइज, यानी कि सेम सेंस, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, सेम सेंस है ना, जिस दिशा में दर्पण को घुमाते हैं उसी दिशा में परावर्तित किरण भी घूमती है, जिस दिशा में दर्पण को घुमाते हैं उसी दिशा में परावर्तित किरण भी घूमती है सेम सेंस, याद रख, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सेम सेंस याद रख, जिस दिशा में हम दर्पण को घुमाएंगे उसी दिशा में परावर्तित किरण घूम जाती है, ठीक है बेटा, गुड। इसी का एक दूसरा एग्जांपल और होता है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल एक और नई प्रॉपर्टी बता रहे हैं समतल दर्पण की, ये देखिए, ये हमने क्या ले लिया बेटा, एक समतल दर्पण, ये हमारा क्या हो गया बेटा आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगा बोलो परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गया परावर्तित किरण, ये क्या हो गया बेटा इसका नॉर्मल, जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल कहां बनेगा बोलो यहां, थोड़ा सा ज्यादा हो गया था ना, ये भी आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है, और आपतन और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर, ठीक, तो ये परावर्तित किरण, ध्यान दीजिए ये नॉर्मल हो गया बेटा, ये परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, जहां भी समझ में नहीं आता वीडियो को दोबारा पॉज कर लेगा, ठीक है, गुड। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस बार मिरर को फिक्स करना चाहते हैं, है ना, पिछले वाले हम क्या किए थे बेटा, इंसिडेंट रे को फिक्स किए थे, और इस बार हम किसको चाहते हैं फिक्स करें, मिरर को। अब दर्पण को अगर हमने स्थिर रख दिया और आपतित किरण को घुमा रहे, इस आपतित किरण को घुमा रहे बेटा, ये देखिए हमने क्या किया, आपतित किरण को घुमा रहे, कितना कोण घुमा रहे बोलो थीटा कोण, तो जैसे हम आपतित किरण को थीटा कोण घुमाएंगे क्या हो जाएगा, अब ये आपतित किरण बन जाएगा आपके लिए, यानी है ना, नॉर्मल शिफ्ट होगा क्या इस बार, सोच के बताओ, नहीं, इस बार नॉर्मल क्या होगा बेटा, नहीं होगा शिफ्ट, तो ये नॉर्मल उतने को उतना ही रहेगा, कितना हो जाएगा इस बार आई माइनस थीटा, तो परावर्तित किरण कितना कोण घूम जाएगा बेटा, जितना देखो आपतन कोण को हमने आपतित किरण को कितना कोण घुमाया थीटा कोण है ना, तो कितना कोण बनेगा आपतन कोण आई माइनस थीटा, तो परावर्तित किरण भी कितना बनेगा आई माइनस थीटा ही बनेगा बेटा, ये परावर्तित, ये बात का परावर्तित किरण को आई आर टू लिख देते हैं, पहले वाले को क्या लिख देते हैं आर वन। तो अब आपसे पूछेगा कि जब दर्पण को फिक्स करते हैं और आपतित किरण को थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना कोण घूम जाती है, कितना कोण घूम जाती है, ये देखो बेटा, तो हमको ये कोण निकालना है फिर से, कितना कोण घूम जाती डेल, तो कैसे निकालेंगे सोचो, ये देखो डेल कैसे निकालेंगे, देखो बेटा है ना, तो पहले कितना था देखो, यहां से यहां तक आई प्लस आई टू आई, ठीक, I प्लस टू आई, और अब कितना है, अब हमको क्या निकालना है, ये देखो ये यहां से यहां तक पूरा कितना था बोलो, ये पूरा था बेटा 2i, अब हमको चाहिए कितना, ये अभी फाइनल स्थिति ये था, ये हो जाएगा माइनस, कितना होगा 2i माइनस i थीटा, और साथ में ये देखो ये कोण को भी तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि किरण को हमने यहां घुमाया था, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या होगा है ना, हमको तो यहां से यहां चाहिए ना वापस, यहां से पूरा ये चाहिए बेटा, ये देखो ठीक, तो ये भी प्लस क्या होगा थीटा, देखो ध्यान से देख लो, समझ में आया कि नहीं आया, हमको के लिए पता करना ये जो परावर्तित किरण है कितना कोण विस्थापित हुआ है ना, ये देखो
क्लियर। ये पूरा इतना कितना था देखो 2i। अब हमको यहां से पूरा चाहिए, ये यहां से यहां तक तो कितना बन रहा है 2i माइनस थीटा और ये प्लस थीटा। तो देखो सॉल्व कर लीजिए, ये होगा 2i माइनस 2i प्लस 2 थीटा और ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो देखो इस 2i कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा एक, तो ये थीटा बचेगा। मतलब आपतित किरण को हम जितना कोण घुमाते हैं ना बेटा, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण घूमता है। लेकिन इधर घूम कैसे है, देखो आपतित किरण को हमने घुमाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो परावर्तित किरण कैसे घूम रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब जस्ट उल्टा घूम रहा है। तो हम यहां लिखेंगे अपोजिट सेंस, क्या बोलेंगे बेटा अपोजिट सेंस, विपरीत दिशा में। मतलब आपतित किरण को जिस दिशा में घुमाते हो, परावर्तित किरण उसके विपरीत दिशा में घूमती है। यह आपको ध्यान रखना, यहां पर उसी दिशा में घूमता था बेटा, देख लो दोनों का एरो देखिए है ना, और यहां जस्ट विपरीत दिशा में, ये इधर घूम रहा है तो परावर्तित किरण किधर घूम रहा है, इस दिशा में, जस्ट अपोजिट दिशा में, जस्ट अपोजिट इसलिए बोलते इसको विपरीत दिशा में घूमता है। लेकिन घूमता कितना, उतना ही, जितना आपतित किरण को घुमाते उतने ही कोण से परावर्तित किरण भी घूमता है, लेकिन विपरीत दिशा में, लेकिन विपरीत दिशा में, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, लेकिन विपरीत दिशा में, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। तो ये इसको भी अच्छे से रिविजन करिए बेटा, है ना, ठीक है, फिर आपको अगले लेक्चर में इसके आगे की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।